जी अस्सलाम वालेकुम इस वीडियो के अंदर हम वेब आर टी सी की लर्निंग को मजीद एक्सटेंड करते हैं इससे पहले हमने दो वीडियोज देखी है अगर आप चैनल पर जाए तो आपको वीडियोज के अंदर दो वीडियोज नजर आएंगी वेब आर टी सी की पहली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हमने कंसेप्ट देखे थे फिर हमने पेयर टू पेयर कनेक्शन की एग्जाम्पल देखी थी जिसके अंदर हमने ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयरिंग वगैरह देखी थी कैसे दूसरे पेयर तक पहुंचती है और फिर हमने उसी का एक थोड़ा सा वर्जन देखा था डिफरेंट वर्जन जिसके अंदर हमने नोट जेस को एज ए सिग्नलिंग सर्वर यूज किया था पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने सिग्नल आर देखा था ए एस पी डॉट नॉट सिग्नल को यूज किया था आज हम अपनी उसी एग्जाम्पल को पीयर पीयर टू वाले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे रिफाइन करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे मल्टी कनेक्शन तक अगर यानी आप चाहते हैं कि जी मैं मीटिंग एक क्रिएट करूं और उसमें मल्टीपल लोग आ सकें वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं वेब आरटीसी के जरिए सिंपल हमें कुछ कोड में चीजें चेंज करनी पड़ेंगी मल्टी uh, कनेक्शन के लिए हमें अरेज मेंटेन करनी पड़ेंगी uh, ऐसे काम करने पड़ेंगे so, सो एक छोटी सी मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की है इस डेमोस्ट्रेशन के लिए जो पहले ही गेट के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और अगर आप इस पॉजिटिव में आएंगे तो इस ब्रांच के अंदर आपको ये एग्जाम्पल नजर आएगी जिसके अंदर मैंने कुछ क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन बताई हुई है बताया हुआ डिटेल के बारे में कि ये एग्जाम्पल क्या करती है और इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ताकि कन्फ्यूजन न रहे और एप्लीकेशन फ्लो और कनेक्शन मैनेजमेंट कैसे हो रही है उसकी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है और फिर इसको चलाना कैसे इसकी डिटेल यहाँ पे शेयर है सो so होपफुली आप इसको सेटअप कर सकते हैं रन कर सकते हैं और साथ ही मैंने इसको एक अज्योर के ऊपर डिप्लाई कर दिया है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें टेस्ट करना चाहें तो ये कर सकते हैं सो बट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं लर्निंग के लिए वेरी गुड और फ्यू uh, कनेक्शन तक या फ्यू पेयर्स तक टू थ्री थ्री फोर लोगों तक पार्टिसिपेंट्स तक इट विल वर्क फाइन बट जो ही आप इसको कनेक्शन uh, बढ़ाएंगे इस एप्लीकेशन में इस अप्रोच के साथ तो वो आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी क्यों आई विल एक्सप्लेन दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बट अगेन अभी आप इसको देख सकते हैं uh, मैं पहले आपको डेमोस्ट्रेशन देता हूँ एप्लीकेशन करती क्या है और फिर हम इसके कोड की अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे ताकि आपको कोड री यूज करना हो आपने इसको चेंज करना हो अपने लिए इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकें या आप अगर कर रहे हैं पहले ही है उसमें आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल अंडरस्टैंड फ्यू प्रॉब्लम जो मुझे आप लोग नॉर्मली मैसेज uh, कर रहे हैं या पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा तो मैंने कुछ की अभी ट्राई किया कुछ की नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा सो so, uh, अगर आप ये लिंक ओपन करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करता है कि लिंक के अंदर कोई ना कोई इस क्लाइंट इस, एप्लीकेशन इस के अंदर इस एप्लीकेशन में दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं एक क्लाइंट एप्लीकेशन एक सर्वर एप्लीकेशन है सर्वर हमें चाहिए कोई सिग्निंग सर्वर चाहिए वेब सॉकेट बेस्ड बेसिकली ताकि हम क्लाइंट uh, सर्वर से बात कर सके और सर्वर क्लाइंट से बात कर सके ये हमें इंफॉर्मेशन uh, शेयर करने के लिए चाहिए होता है हमने इसको ज्यादा पर्पज uh, के लिए यूज किया है जो क्लाइंट एप्लीकेशन है प्योरली एच डी एम्स सी एस एस जेस्ड है इसमें कोई uh, और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही कोई सी शार्प कोई डॉट नेट कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही सो so, इसको मैंने एक सेपरेट जियोर uh, पे होस्ट कियापरेट एप्लीकेशन के तौर पे इसको सेपरेट एप्लीकेशन के तौर पे होस्ट किया है सो so, uh, ये मेरी क्लाइंट uh, एप्लीकेशन है अगर आप इसको रन करेंगे तो इसके अंदर आपको बेसिकली ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ऊपर यूआरएल के अंदर क्यूरिस्ट स्ट्रिंग के अंदर एक एम के साथ कोई मीटिंग आई मिले नहीं होगा तो ये आपके लिए एक जनरेट कर देता है रेंडमली और आपको प्रोवाइड कर देता है ताकि आप मीटिंग स्टार्ट कर सकें अब ये लिंक आप अपने uh, डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं ये एम आई कुछ भी आगे रख सकते हैं कोई स्ट्रिंग रख लें कोई नंबर रख लें कोई यूनिक रख लें ताकि uh, मतलब कोई क्लैश किसी और के साथ आपका ना है क्लैश यही होगा कि आप किसी की मीटिंग में पार्टिसिपेंट uh, बन जाएंगे और मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे सो अगेन दिस इज जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन और लर्निंग पर्पसिज के लिए ही है सो लेट स्टार्ट मैं मुझे एक मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एक नया आई मिल जाएगा बेसिकली टाइम स्टम के बेस पे सो so मैं इसको ओपन करता हूँ एक डिफरेंट ब्राउजर के अंदर तो इसको एम मिल गया है अब ये बेसिकली मुझसे एक यूजर की इन्फॉर्मेशन मांगता है मैं एक यूजर का प्रोवाइड कर देता हूँ ये मेरे लिए जो अगर कोई और यूजर कनेक्ट होते हैं तो दिखा देता लेकिन चूंकि फ्रेश मीटिंग है तो इसने मुझे मेरी डिटेल दिखा दी है अब अगर मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ एक और यूजर इसको ओपन करता है या मैं ओपन करता हूँ अभी और वो यूजर भी अपना कोई निक देगा ये निक कुछ भी हो सकता है ये निक जो आप नेम दे रहे हैं डिस्प्ले नेम दे रहे हैं ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है ये बेसिकली कोई यूनिकनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ठीक है अगर मैं थर्ड कनेक्शन भी ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर से यानी थर्ड पर्सन भी ज्वाइन करता है इसको तो वो भी अपना प्रोवाइड करेगा डिटेल तो वो भी इस तरह ज्वाइन कर लेगा और नोट करें कि जो ही वो पर्सन ज्वाइन करा उसको बाकी यूजर की डिटेल तो आ रही है अवेलेबल और इसकी डिटेल बाकी यूजर्स के पास भी ऑटोमेटिकली आ गई है ए थ्री की डिटेल देखिए आ, आ गई है अगेन सिग्नल आर यानी जो हमारा वेब सॉकेट बेस्ड रियल टाइम डाटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है हमने उसी को इस्तेमाल किया है यूजर की डिटेल के लिए अभी तक हमने वेब आर की बात नहीं की तो सिंपल यूजर मैनेजमेंट के लिए हमने सर्वर की मेमरी में, में कुछ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते जा रहे हैं जब भी आप आ, क्लाइंट यानी ब्राउजर से सर्वर के साथ सिग्नल नार सर्वर के साथ या वेब सॉकेट के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं वेब सॉकेट बेस्ड तो वो बेसिकली कनेक्शन आईडी असाइन कर देता है एक यूनिक कनेक्शन आईडी तो मेरे इस ब्राउजर इस टैब के साथ एक कनेक्शन आईडी डिफरेंट है इसके साथ कनेक्शन आईडी डिफरेंट है इसके साथ कनेक्शन आईडी डिफरेंट है तो नेम का कोई मसला नहीं है जितनी दफा आप इसको रिफ्रेश करेंगे वो एक नया कनेक्शन आईडी देगा आपको और वो इन्फॉर्मेशन हमें क्लाइंट पे भी अवेलेबल होती है सर्वर पे अवेलेबल होती है हम उसी कनेक्शन आईडी को ही इस यूजर के लिए इस यूजर के लिए इस यूजर के लिए यूनिकनेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और अगली सारी डिटेल हम उस कनेक्शन आईडी के बेस पे ही स्टोर करेंगे और वो कनेक्शन आईडी ही बेसिकली तमाम के साथ लिंक करेगा तो जो मैं कनेक्शन आईडी बोल रहा हूँ इसका वेब आर्टिस्ट से कोई तल्लु नहीं है ये सारे का सारा अभी तक जो बात कर रहा हूँ ये सिंपल uh, मेरी एप्लीकेशन की सिग्नल सर्वर के साथ या सिग्नल आर सर्वर जो है जो जिसके इस इसमें हम यूज कर रहे हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन की उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ यूजर मेंटेन करने के लिए ये मैं कर लिया इतना काम इसके बाद आप अभी यानी अगर आप यूज नहीं करना चाहते ऑडियो वीडियो तो यू कैन सिंपली डू चैट इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है ये मैसेज किया बाकी लोगों को मैसेज पहुंच गया होगा ये देखिए अवेलेबल हो गया लोग इसमें आप चैट कर सकते हैं उस यूजर का नाम टाइम और मैसेज प्रिंट हो रहा है ठीक है सिंपल सी चैट एप्लीकेशन देखिए ये कैसे बनाई हमने एक ग्रुप चैट कैसे बनाई है अच्छा जी ये हो गया चीज़ अब अगर ये पर्सन अपनी कोई चीज शेयर करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर कैमरा शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं सिंपली इसके अंदर स्टार्ट कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैमरा अनेबल हो जाएगा और कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बाकी दूसरी टैब्स के अंदर जाएं तो वो यूजर्स के पास जाएं तो उनको कैमरा अवेलेबल नजर आ रहा है राइट लाइक दिस वन सो so, कोई दूसरा यूजर फॉर एग्जांपल स्क्रीन शेयरिंग कर सकता है वो कहता है जी मैंने स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो वो मिसाल के तौर पर कह सकता है कि मैंने ये चीज शेयर करनी है जिसने कोड शेयर किया तो कोड उसके पास इस तरह स्क्रीन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा बाकी यूजर्स के लिए ये देखें इस तरह ये वाला यूजर भी कुछ चीज शेयर करना चाहता है तो कर सकता है मिसाल के तौर पे ये कहता जी मैंने एप्लीकेशन शेयर करनी है ये वाली सो so अगर आप इसके अब देखें एग्जाम्पल तो ये आपके पास आएगी अच्छा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जब आप स्क्रीन शेयरिंग की बात करते हैं तो आपको सिर्फ वही एप्लीकेशन यहाँ नजर आएंगी जो आपकी मिनिमाइज नहीं है तो समाइम आपको ये जो वेब आर के अंदर स्क्रीन शेयरिंग का फ्यूचर एक कन्फ्यूज़ कर सकता है कि आपकी एप्लीकेशन चल रही हो लेकिन आपको नजर ना आ रही हो सो so वही नजर आएंगी जो कि आपके पास मिनिमाइज uh, स्टेट में नहीं होंगी ठीक है मैक्सिमम मतलब ओपन होंगी एप्लीकेशन ओके सो बेसिक फीचर यही है अब आप इसको स्टॉप uh, कर सकते हैं रिसेट मीटिंग का मतलब यह है कि आप uh, सब यूजर को कहते हैं दोबारा कनेक्ट करें तो रिसेट मीटिंग के सारे यूजर सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और उनका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और उनको दोबारा करना पड़ेगा वो एक ओ दो जितने भी होंगे सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो ये एक्स्ट्रा टेस्टिंग के दौरान फीचर मैंने मैंनेड किया था अपने लिए बिकॉज आई वॉन्ट के uh, मुझे प्रॉब्लम ना आए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ए टू और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं A3. तो यूजर नेम के बेस पे ये एप्लीकेशन आपकी यूजर नेम के बेस पे आपको आइडेंटिफाई नहीं करती तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा अभी नोट कीजिएगा कि ये ए थ्री यूजर है इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो मेरा जो पुराने वाला कनेक्शन uh, ब्राउजर से सर्वर uh, से डिस्कनेक्ट हो गया अब सर्वर थोड़ी देर बाद उसके डिस्कनेक्शन का इवेंट फायर होगा और वो मुझे मेमोरी से रिमूव कर देगा लेकिन अगर मैं लॉग इन करता हूँ आप देखिएगा ए फोर से तो आपको ए थ्री भी नजर आएगा मोस्ट प्रोबेबली राइट लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद जो ही सर्वर का सर्वर की सर्वर वेट कर रहा होता है बेसिकली तो उसको एक इवेंट फायर होगा कि जी जो पुराना कनेक्शन ए थ्री का था वो अब खत्म हो गया तो आपको मेमोरी से इस बंदे को निकाल देगा जब जो ही निकालेगा तो नोटिफाई कर देगा लोगों को ए थ्री अब अवेलेबल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ए सबकी लिस्ट से निकल जाएगा सो so, हो सकता है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अभी थोड़ी देर में ही हमारे पास ये वाला यूजर यहाँ से रिमूव हो जाए तो अगेन जो, जो फ्रेश करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप आप एक नए यूजर के साथ एंट्री कर रहे हैं और वाला थोड़ी देर में हो जाएगा ये निकल गया तो आई होप सो तो कि कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हो करती क्या है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनम्यूट ये अगेन वही फीचर है जो हमने पहले देखे हुए हैं मैंने इसके अंदर रिकॉर्डिंग का फीचर इंटेंशली डिसेबल किया है और आप पहली वीडियो के मुताबिक इसमें रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं ठीक है जी अब मैं इसका कोड अवेलेबल है में जाएंगे इस ब्रांच के अंदर आप कोड डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ये देख सकते हैं बिल्कुल रियल टाइम है इसमें चेंजेस आपको मिलेंगी जो लेटेस्ट चेंजेस रहा अंदर अवेलेबल है तो आपको ये सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है अच्छा और अब आगे चलते हैं मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर दूं कि हमने करना क्या है राइट वो चीज अंडरस्टैंडिंग जरूरी है फिर आपको इसकी डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी सही तरह से हमने करना यह है कि जब भी मेरे पास अच्छा फ्लो ये चलता है जब आपका एक यूजर एप्लीकेशन खोलता है तो हमारा ये सर्वर है राइट इसे मैं सर्वर कहता हूँ ये सिग्नलिंग सर्वर है जिसके तौर पे हम इसको अपनी यूजर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वेब आर भी इसको, इसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपनी डिफरेंट तरह की डिटेल शेयर करने के लिए सो so अगेन अगर आपको ये वर्ड्स या ये जो बातें ये लग रही हैं कि ये एब्सट्रैक्शन है तो प्लीज़ दोबारा पार्ट वन जरूर देखें तो सल्ली से उसकी प्रैक्टिस करें ये पार्ट थ्री उन्हीं लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन्होंने पार्ट वन देखा हुआ तो प्रैक्टिस की हुई है क्योंकि मैं इसमें हर, हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं इसकी में जा रहा हूँ एक यूज केस बता रहा हूँ कि जो कि हम उसके उसको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं अच्छा सिग्नलिंग सर्वर की मेमरी के अंदर हमने बेसिकली जब एक यूजर आता है ब्राउजर खोलता है और मीटिंग आई मिल जाता है तो वो अपना नाम देता है तो हम एक हिट भेजते हैं यहाँ पे और इसके पास कहते हैं कि जी कनेक्ट कर दो ठीक है फंक्शन कॉल करते हैं हम क्लाइंट से सर्वर का हम कॉल कर सकते हैं एक फंक्शन वेब आर टी सी सॉरी वेब सॉकेट्स बेस्ड जो हमारी इंप्लीमेंटेशन है सिग्नल आर की फंक्शन कॉल करते हैं उसमें यूजर आई और साथ हम दे देते हैं अपना मीटिंग आई डी सिग्नलिंग सर्वर क्या करता है अपने पास इस यूजर आई और मीटिंग आई को एक अरे में एड करता जा रहा है ठीक है वो देख लेता है कि मीटिंग आईडी पहले एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती नहीं करती तो उसको ऐड कर लेता है और अगर कोई यूजर इसके पास पहले पड़े हुए हैं कनेक्टेड है तो वो उनको नोटिफाई कर देता है इस केस में तो कोई भी नहीं है क्योंकि यूजर वन अकेला अभी आया है तो कोई यूजर नहीं है तो किसी को नोटिफाई नहीं कर सकेगा और साथ ही वो इस इस कॉल के अगेंस्ट रिटर्न कर देता है जो एग्जिस्टिंग यूजर हो इस केस में कोई एग्जिस्टिंग यूजर नहीं था इस यू के पास कोई डिटेल नहीं आएगी अब दूसरे यूजर ने दूसरे यूजर से मरा अगेन दूसरी कहीं टैब में आपने ओपन किया वही लिंक सेम और नाम एंटर किया तो यहाँ से भी कनेक्टिव कॉल जाएगी यहाँ पे जहां से कनेक्ट कॉल जब जाएगी तो ये ही अपना एक यूजर आई और मीटिंग आई पास करेगा सर्वर को पता है कि इस वो रिकॉर्ड इसको रिटर्न कर देगा वापस इस तरह करके तो इसके पास अपना यूजर तो आएगा ही आएगा नजर इस तरह करके कि मैं कौन हूँ यूटू और साथ इसको वहां से यू वन की इन्फॉर्मेशन भी गई तो यू वन का बॉक्स भी यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा ठीक है और साथ ही क्या करेगा कि जितने अदर यूजर थे अभी यू यू वन अदर यूजर में है ना कि इसके अलावा जो यूजर यू वन नहीं है तो उसको भी नोटिफाई कर देगा नोटिफाई करेगा उसको कि एक और यूजर आया है तुम्हारे पास यू टू तो वो क्या करेगा यू वन का बॉक्स 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 पहले बन चुका था उसका अपना यू टू का यानी दूसरे यूजर का बॉक्स क्रिएट कर लेगा इसके पास थर्ड यूजर आता है सेम चीज रिपीट होगी थर्ड यूजर के लिए भी कि वो जब थर्ड यूजर अपने आप उसके अंदर मीटिंग आईडी को एक्सेस करेंगे और यूजर आईडी एंटर करेंगे तो यहाँ से कनेक्ट का फंक्शन कॉल होगा उसमें आप डिटेल पास करेंगे और आपको इस केस में U1 और U2 जो पहले कनेक्टेड थे डिटेल मिलेगी तो उनके बॉक्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे ऐसे भी हम देख रहे थे ठीक है U1 और U2. और U2 साथ ही क्या होगा कि ये U3 की डिटेल इन दोनों को बता देगा इसको भी बता देगा, इसको भी 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 बता बता देगा देगा तो वो भी अपने पास U3 की एंट्री कर लेंगे ठीक है इस तरह बेसिकली यूजर्स की इंफॉर्मेशन ऐसे हम शेयर कर रहे हैं इनके साथ तो अगर ये बढ़ते जाएंगे तो ये प्रोसेस इस तरह ही आगे एक्सटेंड होता जाएगा इसके बाद हम क्या कर रहे हैं हमें करना यह है कि जो भी ये यू वन जिस तरह मिसाल के तौर पर पहले आया था तो यू वन के पास जब U1 आया है तो कोई कोई और यूजर नहीं आया तो जब भी इसके पास कोई यूजर आया करेगा तो क्या करेगा यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इससे लेके चलूं कि मेरे पास ये U1 था पहले U1 अकेला था तो U1 जब अकेला था तो कोई डिटेल नहीं थी जब यू आया है तो यू के पास भी इंफॉर्मेशन आई है यू की और U1 के पास U2 की इन्फॉर्मेशन गई है सो इट मीनस U1 को एक पेयर मिल गया है तो क्या करेगा अपने पास एक कनेक्शन की रे बनाई हुई है कनेक्शन की अरे उस कनेक्शन की एरे के अंदर एक कनेक्शन बना के आर Connection, उस कनेक्शन कनेक्शन को को बिल्ड करके इस इस में डाल देगा। U2 भी में आके U1 का डाल देगा। देगा। भी का जब U3 की बात आएगी, तो U3 को दो लोग मिलेंगे U1 और U2. तो इसकी कनेक्शन जब ये सिग्नल सर्वर नोटिफाई करेगा यू को अबाउट यू और उससे पहले इसने वन के बारे में किया होगा तो लिया हो, अपने पास एक जब इसको की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इसके अंदर एक और एंट्री कर लेगा ठीक है इस तरह ये भी यू वन के एंट्री कर लेगा तो आप देख सकते हैं कि अगर तीन यूजर हो तो हर हर एक के पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कनेक्शन की एक रे बनाई हुई है और दो दो बाकी दोनों की डिटेल रखी हुई है यू के पास इन दोनों की डिटेल है U2 के पास इन दोनों की डिटेल है और U3 के पास इन दोनों की डिटेल है बिकॉज अब हमने मल्टी कनेक्शन को सपोर्ट करना है कि U1 का जो डाटा है वो इन दोनों को पहुंचे जितने लोग भी कनेक्टेड हैं दोनों को पहुंचे तो अगर U1 के पास एक ही कनेक्शन का ऑब्जेक्ट होगा जैसे हमने एग्जाम्पल वीडियो वन में देखा था तो फिर तो वो नहीं हैंडल कर सकता तो यू को एक अरे मेंटेन करनी पड़ेगी तमाम पेयर्स की हर करनी एक को पड़ेगी के करनी पड़ेगीटेन करनी पड़ेगी तमाम पेयर्स की जब वो स्ट्रीमिंग कर सके तो वो सबको स्ट्रीम कर सके ठीक है उनसे बात बात कर सके। यू इन से बात कर सके इन इन दोनों दोनों से से रहा होगा यू टू, से अपनी उनकी स्ट्रीमिंग जा रही होगी और यू के पास जा रही होगी और थ्री की भी इसके पास जा रही होगी क्योंकि हम बात करते हैं बट इसमें पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन होती है ठीक है यू वन यूथ थ्री की इन्फॉर्मेशन दोनों के पास जा रही होगी यू कैन इमेजिन कि अगर ये अभी तीन यूजर है तो छह कनेक्शन है ठीक है तो ये दो रेड और ये छह और अगर ये मेरे पास चार यूजर हो जाए तो ये कनेक्शन कितने हो जाएंगे हर हर यूजर के तीन तीन नौ कनेक्शन टोटल बन जाएंगे क्योंकि यू वन यू टू को यू थ्री को यू फो को भेज रहा होगा ऐसे एंड सो ऑन तो ये पीयर टू पीयर कनेक्शन की प्रॉब्लम भी है जिसको जिसकी वजह से मैंने कहा था शुरू में आपसे कि आप ज्यादा यूजर्स के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी आपको डिले और आपका जो ब्राउजर है वो हैवी होना शुरू हो जाएगा और आपको परफॉर्मेंस डिले के साथ मिलना शुरू हो जाएगी ऑडियो वीडियो के अंदर इसलिए फिर ज्यादा यूजर्स के लिए हम ये पीयर टू पीयर वाला ये ये वाला मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं करते ठीक है जी तो so, मैंने कुछ आपको आइडिया दिया है कैसे और आप कोड देखते हैं चीजें समझाना शुरू हो जाएंगे मजीद अच्छा पहले यह सिग्नल सर मैं सारा कोड लिखने के बजाय कोड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इस कोड को जब चलाएं तो आपको समझ आए ये डॉट नेट का प्रोजेक्ट है इसको आप रन करेंगे बिल्ड कीजिएगा रन करें ये स्टार्ट हो जाएगा ठीक है वी स्टूडियो टू में बन रहा है लेकिन अगर आपके पास टू है कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉट नेट फ्रेमवर्क फोर का प्रोजेक्ट क्रिएट करें सिग्नल आर का सिंपल सा और उसके अंदर ये वाली आपकी क्लास एड कर लें और काम शुरू कर सकते हैं कोई और डिपेंडेंसी इसके अंदर नहीं है इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई है जिस क्लास के अंदर स्ट्रक्चर बनाया हमने कि हम क्या चीजें यूजर की स्टोर करेंगे यूजर का आईडी हमें क्लाइंट से मिलेगा मीटिंग आईडी मिलेगा और हमें एक कनेक्शन आईडी ये जो कनेक्शन वेब सॉकेट कनेक्शन बिल्ड होता है वो हमें सर्वर पे मिल जाता है वो यूजर को भेजने की जरूरत नहीं होती तो ये कनेक्शन आई के साथ हम डिटेल स्टोर कर देंगे इसके अंदर ठीक है एक हमने स्ट्रेटिकरिये बनाई है बिकॉज हमने इस इन्फॉर्मेशन को मेनटेन करना है सर्वर की मेमोरी जब तक सर्वर चल रहा है ठीक है अच्छा ये फंक्शन है कनेक्ट का जो कि हमने एक्सपोज किया जब भी ये क्लाइंट अपने आपको रेडी समझेगा तो ये फंक्शन कॉल करेगा क्लाइंट साइड से वो अपना नाम यानी जिसको यूजर आई कह रहे हैं और मीटिंग आई पास करेगा तो हम इसको इस कलेक्शन में ऐड कर देंगे सिंपली इसमें जो तीसरा पैरामीटर है वो हमें एक्चुअली सर्वर पे ही मिल जाएगा कॉन्टेक्ट स्टॉट कनेक्शन आईडी के जरिए सिंगल में में मिलता है नोट नोड जेएस के अंदर अगर आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं सॉकेट आयोग की तो उसके अंदर भी कनेक्शन आईडी का अवेलेबल होता है लेकिन उसका नाम डिफरेंट होगा कॉन्टेक्ट स्टॉट कनेक्शन आई नहीं होगा उसके बाद हमें इस यूजर के अलावा बाकी यूजर ढूंढने हैं तो हमने कहा जी कि आप मीटिंग इस कनेक्शन से इस मीटिंग के सारे लोग ले आओ लेकिन जिनका कनेक्शन आई डी इससे मैच ना करता हो ठीक है ये हम काम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते है ये काम पहले कर लेते कि इसको एंट्री करने से पहले कर लेते तभी एक ही बात थी लेकिन हम एंट्री करने के बाद कर रहे हैं कनेक्शन आईडी मैच ना करता हो इससे यानी जो पुराने लोग हैं इसके पहले वाले पार्टिसिपेंट उनको पकड़ो और सारे पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करो सारे पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करो कि नया यूजर आया है जिसका कनेक्शन आईडी ये है और जिसका डिस्प्ले नेम ये है सो आई गेन एम टेलिंग यू कि यहाँ पे हम यूजर आईडी को एज ए यूनिक की नहीं ले रहे हैं आइडेंटिफायर नहीं ले रहे बल्कि कनेक्शन आईडी को ले रहे हैं बिकॉज यही हमारे पास एक डिटेल है जिससे हमें पता चलता है कि कितने लोग कौन सा बंदा है ठीक है तो हम तमाम यूजर्स को यानी तमाम ब्राउजर्स को नोटिफाई कर रहे हैं सेमिनार में हम मिसा करते हैं कोई फंक्शन कॉल करना हो किसी खास यूजर का तो हम कह रहे हैं कि इस कनेक्शन आईडी वाले बंदे को नोटिफाई करो वहाँ पे एक फंक्शन लिखा होगा में वो कॉल हो जाएगा, उसको हम इनफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कुछ को भी कर रहे हैं कि हम अपनी कनेक्शन में से अपनी इस लिस्ट में से उस यूजर को जो डिस्कनेक्ट हुआ है ब्राउजर रिफ्रेश किया तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा लेकिन ये इवेंट फॉरन फायर नहीं होता बल्कि थोड़े डिले के बाद फायर होता है तो हमने वो ढूंढा और उनको रिमूव कर दिया अपने पास से और साथ ही फिर हर बंदे को इनफॉर्म कर दिया कि कनेक्शन एक्सचेंज डीएसपी का दूसरे पेयर्स के साथ तो उसके लिए फंक्शन लिखा है लेकिन अब इस केस में सिंपल हमने मैसेज uh, भेजना है लेकिन किसको भेजना है वो हमें क्लाइंट ही बताएगा जी मेरी ये ये ऑफर है मेरा ये इन्फॉर्मेशन है इस बंदे को भेजो तो कनेक्शन आईडी भेजेगा हमें और कनेक्शन आईडी कैसे मिलेगा उसको वो हमने पहले ही शेयर कर दिया हमें कनेक्शन आईडी लोगों की ठीक है ये रिसाइड का फंक्शन मैंने बताया था इसके डिटेल में नहीं जा रहा और ये चैटिंग के लिए सिंपल सा फंक्शन बनाया है इसकी डिटेल में नहीं जा रहा सिंपल आप जब मैसेज करेंगे तो आप लोग ढूंढेंगे उस कनेक्शन आईडी की मीटिंग पकड़ेंगे और उस मीटिंग के लोग ढूंढेंगे इस मीटिंग में कितने लोग हैं कितने कनेक्शन बने हुए हैं उन सब लोगों को फंक्शन कॉल कर देंगे क्लाइंट साइड पर बना होगा वो फंक्शन बेसिकली इस मैसेज को बॉक्स में डिस्प्ले कर देता है तो ये बड़ी सिंपल सी मैसेजिंग है अब हम आते हैं कि हमारे जो दूसरी एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन जिसको बोल रहे हैं उसके अंदर आपको बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉजिटिव का सोर्स का फोल्डर है जिसके अंदर क्लाइंट ऐप है और एक सर्वर का फोल्डर है जो मैंने आपको सारा आप एक्सप्लेन किया है और क्लाइंट ऐप के अंदर अभी जावा स्क्रिप्ट की बात करेंगे ये हमारा लैंडिंग पेज है और हमारी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे हुई है ये छोटी सी सीएसएस की फाइल बनाई है आप इसको वीएस कोड में रन कर रहे हैं तो मैंने उसकी एक फाइल क्रिएट की है और उस फाइल के अंदर मैंने बेसिकली ये जो मेरे पास सर्टिफिकेट था मैंने क्रिएट किया था वीडियो वन में भी था कि ये सर्टिफिकेट आपको एक चाहिए आप अपना बना के भी डाल सकते हैं मैंने लोकल होस्ता बनाया हुआ है और इसकी मैंने डिटेल जो है वो मैंने आपके पास इस इस फाइल के अंदर जो मेरी सेटिंग्स की फाइल है इसके अंदर उसके पास दिया आपको भी देना पड़ेगा ठीक है ये मैंने एंटर किया और मैंने जिस पासवर्ड से बनाया था वो मैंने यहाँ पे साथ, वो भी लिखी हुई है ठीक है तो आप अगर यूज करना चाहते हैं इस तरह है कर लें तो ये बेसिकली वी कोड के अंदर लाइव सर्वर को यूज करने के लिए मुझे ये डिटेल चाहिए ताकि एच के मुझे वेब आर्टिस्ट टी तंग ना करे ठीक है ओके जी ये हो गया अब अगर मैं जाता हूं अपने एप्लीकेशन के जो स्ट्रक्चर है इसमें एक डेस्क डॉट एच है जिसके अंदर मैंने अच्छा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर दो मेन फाइल एक एप डॉट जे है और एक वे आर टी हेल्पर है अच्छा वेब आर टी हेल्पर जो फाइल है ना ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सिग्नल आर से या नोट जे से ठीक है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इसमें कहीं सिग्नल आर की बात नहीं हो रही कहीं नोट जेस की बात नहीं हो रही इसमें सारी सारी वे बार्टिसी की बात हो रही है अः अभी भी ये मतलब कि चीजों को इस तरह कर रही है कि यू के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं तो मैंने ज्यादा कम, ज्यादा रिफाइनमेंट करने की कोशिश नहीं की अभी भी कोड इसके अंदर यू आई डिपेंडेंट कोड जरूर है अच्छा दूसरी फाइल है एड डोड जी ये बेसिकली मेरे पास डिपेंडेंट है सिग्नल आर तो अगर आप नोट जी में काम करना चाहते हो तो आपको बेसिकली ये फाइल तब्दील करनी है और कुछ चीज तब्दील करने की जरूरत नहीं है आपको जिस तरह हमने वीडियो व्यूट्यूब में देखा था कैसे अपने फंक्शन क्लाइंट साइड पे कैसे लिखने हैं सर्वर साइड पे कैसे लिखने हैं उसका एक मैकेनिज्म है नोट जे का आप उसी मैकेनिज्म के जरिए अपने यहाँ फंक्शन लिखिएगा तो आपको ये काम नोट जैसे चलना शुरू हो जाएगा तो कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी हमारे पास अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डेक्स टू डेस्टमल में आते हैं तो हमने अपने जे क्यू जी का सिग्नलार का रेफरेंस एड कर दिया है हब्स का रेफरेंस एड करना पड़ता है हमें सिग्नलर के लिए और ये मैंने दो फाइलें जो जे की फाइल है वो एड कर दी है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वही हम क्यूरी स्ट्रिंग पकड़ रहे हैं कि क्या उसके अंदर मीटिंग आईडी है नहीं है तो हम एक डायनामिक लिंक जनरेट करते हैं और उसको डिस्प्ले कर देते हैं और बाकी बॉक्सेस अपने हाइड कर देते हैं जो नीचे आपको नजर आते हैं अगर मीटिंग आईडी मिल जाए उसको फिर हम देखें क्या यूजर आई साथ प्रोवाइड किया है क्यूरी स्ट्रिंग में नहीं प्रोवाइड किया फिर यूजर से प्रॉम्प्ट करते हैं और यूजर से यूजर आई ले, ले लेते हैं अगर ये दोनों चीजें इनमें से कोई भी चीज मिसिंग हो तो हम उसको लड़ देते हैं आगे जाना नहीं देते ठीक है हमने ये किया और अगर ये दोनों चीजें मिल जाए तो फिर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है अपनी एप डॉट जीएस के अंदर

और इसके अंदर कोई मतलब आई वगैरह तब्दील करेंगे और अपेंड करते जाएंगे तो ये का हमने अपने लिए हिडन टम्पलेट रख लिया है ताकि हमें एच क्रिएट करने में आसानी रहे ठीक है तो इसके अंदर हमने हर एक रिमोट यूजर के लिए एक वीडियो प्लेयर और कार्डियो प्लेय रखा है ठीक है ताकि हमें वीडियो अगर खाली हो तो इससे आ जाए ऑडियो खाली हो तो इससे आ जाए एक से भी काम कर सकते हैं जिस आप प्ले करना चाहें ठीक है जी अब हम देखते हैं कि जी इनट में क्या होगा जब एक यूजर आई और मीटिंग आई हम इस को भेजते हैं तो हमारा काम स्टार्ट होता है वो काम यहाँ स्टार्ट होता है जी इनर आ गया इससे ये वाला इनर फायर होगा वो हमने यूजर आईडी और मीटिंग आईडी ऊपर सेव कर ली उसके फाइल के अंदर और जो मीटिंग आईडी था उसको हमने लेबल में दिखा दिया है जो यूजर करंटली है उसकी इंफॉर्मेशन दिखा दी है उसके बाद हमने अब दो तरह के इवेंट्स हैं एक सिग्नल सर्वर सिग्नल के जो हमारा सिग्नलिंग सर्वर है उसके कुछ इवेंट्स हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए कि यहाँ से आपने वहां भी बात करनी है और वहां से जो फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा ताकि वहां से फंक्शन कॉल हो सके उसकी बाइंडिंग की और फिर हमारी अपनी बटन्स की बाइंडिंग है तो सिग्नलर की बाइंडिंग हम कैसे करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन अब यहाँ पर खैर लॉगिंग के लिए है हमें डॉलर डॉट कनेक्शन डॉट जो हमारी हब का नाम होता है उस हब मिल जाती है इसको आपने अपना एक यूरल देना होता है जो हमारा हब्स का होता है जिन्हें जब आप डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में करेंगे तो ये पहला पार्ट बदल जाएगा अगला पार्ट ये होता है इसके पास डिटेल आ जाती है कि सर्वर के कौन कौन से फंक्शन है तो आप वो फंक्शन जब भी कॉल कर रहे हो तो आप हंड इसी हब का नाम लिख के डॉट सर्वर करके वो फंक्शन जो सर्वर पे है वो कॉल कर सकते हैं तो आपको याद होगा ये एक्सचेंज एस का फंक्शन का पे लिखा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ था ठीक है इस तरह का सो so, इसमें आर में ये होता है कि बाय डिफॉल्ट जो नेम सर्वर पे होता है उसको आप स्मॉल में लिखते हैं क्लाइंट साइड पे ठीक है इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन अभी हम आर नहीं सीख रहे लेकिन जस्ट जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं सर्वर साइड की हमने एक फंक्शन कॉल करना है सर्वर पे वो नोड का भी हो सकता है नोड में सॉकटा का भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है फंक्शन कॉल किया उससे वो डिटेल पास कर रहे हैं लेकिन अगेन ये एक फंक्शन लिख रहा है उससे कॉल नहीं कर रहा मैं फंक्शन बना रहा हूँ ये मैं कॉल नहीं कर रहा ये फंक्शन बेसिकली हम अपनी वाली फाइल को दे देंगे जब उसने सर्वर से बात करनी तो इस फंक्शन को कॉल कर लिया करेगी ठीक है हमने ये फंक्शन लिखा है क्योंकि मैंने वेब आर को इंडिपेंडेंट करना था सिग्नल आर से इसलिए मैंने एक फंक्शन लिखा है और फंक्शन का पैरामीटर उसको दे दूंगा वो खुद कॉल करता रहेगा जब भी उसको कॉल करना होगा कहाँ कॉल करना होगा वी है आई सी शेयरिंग करने के लिए वो सर्वर को कॉल करता है जो क्लाइंट के फंक्शन है इस तरह हमने क्लाइंट के फंक्शन लिखे हैं जी ये ये रिसेट वाला फंक्शन है यू कैन इग्नोर इट क्लाइंट का फंक्शन मतलब है कि जो सर्वर क्लाइंट पे कॉल कर सकता है यानी सर्वर कहेगा क्लाइंट को फंक्शन कॉल करने के लिए तो ये हमने जिस तरह हमारे वेब आर ने सर्वर से बात करनी होती है इस तरह सर्वर ने वेब आर को बताना होता है कि तुमसे ये बंदा बात करना चाह रहा है उसके लिए फंक्शन स्टैंडर्ड लिख लिया हमने एक्सचेंज एस का सॉरी ये वाला फंक्शन बिल्कुल ठीक है ये सर्वर से कॉल करने के लिए इन सर्वर बताने के लिए डाटा देने के लिए कॉल कर सकता है और इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया हमने वेब आर टीसी के अंदर एक फंक्शन लिखा है एग्जीक्यूट क्लाइंट का वो फंक्शन जब भी सर्वर कॉल करेगा इसको हम अंदर से ये फंक्शन कॉल कर देंगे ठीक है तो ये ये नहीं वेब के अंदर कहीं पे ये वाली कोड नहीं आएगा वेब आर टी सी सिग्नलिंग सर्वर ने ये फंक्शन कॉल किया हमने आगे वेब आर टी सी फंक्शन कॉल कर दिया डाटा जो है वो आगे पास कर दिया ठीक है तो ये इसलिए सेपरेशन करने के लिए इन दो फंक्शन को हमने लिखा है यहाँ पे ये पहले मिक्स थे जब आपको याद हो पार्ट वन के अंदर आइडिया क्या है कि इस फाइल के अंदर हम कोई भी सिग्नलिंग सर्वर का कोड डायरेक्ट ना लिखें ठीक है वो हम बाहर वाली फाइल के अंदर लिख रहे हैं ताकि आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकें आपको वो फाइल चेंज ना करनी पड़े अगर आपने नोट पे जाना हो तो अच्छा इसके अलावा जो मैंने एक फंक्शन बताया था इनफॉर्म अबाउट न्यू कनेक्शन का कि जब भी कोई नया कनेक्शन आता है तो यूजर को इन्फॉर्म करते हैं ठीक है कनेक्शन बंद करने का जब कोई यूजर चला जाता है तो उसको इन्फॉर्म करते हैं वो कुछ काम करता है ये चैट के लिए है तो यहाँ से हमारा असल काम शुरू होता है ये भी हमने डिक्लेरेशन कर ली है यहाँ से अब हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं सर्वर के साथ ठीक है हम हम सर्वर से कनेक्शन बिल्ड करते हैं ये इस इस केस में हमारा सर्वर से कनेक्शन बिल्ड होगा सॉकेट का वेब सॉकेट का और अगर कनेक्शन बिल्ड हो गया सक्सेसफुली तो ये फंक्शन फायर होगा डन के अंदर जो लिखा है आपने ठीक है जी इसका मतलब हमारा सर्वर के साथ ये कनेक्शन बिल्ड हो गया ठीक है वेब सॉकेट का अभी हमने कुछ नहीं किया कनेक्शन बिल्ड हो गया इस इस लाइन के चलने की वजह से ठीक है और अगर आप सिग्नलर में काम कर का रहे हैं तो हमेशा डिक्लेरेशन पहले करते हैं इस तरह की अपनी और फिर आप ये स्टार्ट का फंक्शन कॉल करते हैं स्टार्ट के अंदर आगे हमने क्या किया जी अब हमने चूंकि अब स्टार्ट करना है तो हमने पहला काम ये किया कि हमने वेब आर टी सी को निशलाइज किया जी वेब आर टी सी को कुछ चीजें हमने करनी है वो निशलाइज किया कैसे निशलाइज़ किया पहले तो हमने सर्वर फंक्शन दे दिया उसको बता बता दिया कि ये सर्वर फंक्शन ले लो और इसको इस्तेमाल कर लो जो तुम्हें इस्तेमाल करना और साथ ही हमने अपना जो कनेक्शन आई डी था जो हमें मिलता है वहां पे सर्वर साइड पे कनेक्शन आई डी कैसे मिला था हमें कॉन्टेक्ट डॉट कनेक्शन आई डी से वही कनेक्शन आई डी जो क्लाइंट पे मिलेगा हमें कैसे मिलेगा इस तरह मिलेगा क्योंकि क्लाइंट का सर्वर से कनेक्शन ओपन हुआ है क्लाइंट का सर्वर के साथ एक कनेक्शन ओपन हो गया इस तरह करके अब आप उसके जरिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं इधर को और वो फंक्शन कॉल कर रहा है आपके इधर ठीक है और इस इस कनेक्शन का एक आईडी होगा वो दोनों के पास अवेलेबल होगा और उसी कनेक्शन आईडी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे कुछ काम होगा वो काम देखते हैं क्या निशलाइजेशन है, कुछ है अच्छा अब अगला काम हमने ये कहा कि तो हमें पता तो है ये सारा हम पहुंचे इसलिए इस जगह तक है यूजर आई और मीटिंग आई जरूर अवेलेबल होगा लेकिन एक कंडीशन लगाई हुई है क्योंकि ये पहले ऊपर थी अब ये नीचे तो हमने कहा यूजर आई और मीटिंग आई अवेलेबल है जी है तो हमने सर्वर का कनेक्ट का फंक्शन कॉल किया जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर हमारी सर्वर हमारे पास अपनी पूरी की पूरी डिटेल कनेक्ट uh, के फंक्शन के अंदर लेके इस रे में डाल देता है कि मेरे पास एक नया कनेक्शन एक नया यूजर आया है उसके अंदर एंट्री कर लेता है हमने यहाँ पे ये वाला कनेक्ट का फंक्शन कॉल किया है उस कनेक्ट के फंक्शन में हमारी सर्वर में एंट्री हो जाएगी और सर्वर से हमें बाकी यूजर की डिटेल मिल जाएगी अच्छा बाकी यूजर मीन जितने भी मेरे अलावा यूजर पहले पड़े हुए हैं ठीक है कोई पार्टिसिपेंट्स होंगे होता कोई भी ना हो वो पार्टिसिपेंट्स जब मेरे पास आएंगे तो मैंने उनको फ्रंट एंड पे दिखाना है ये फंक्शन फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए और फिर मैंने वेब आटी से कनेक्शन बिल्ड करना है ये मेरे लिए कर देगा उस यूजर के लिए तो अगर एक बंदा आएगा तो एक यूजर डिस्प्ले हो जाएगा मुझे एक्स्ट्रा और मेरे लिए एक वेब आरटी से कनेक्शन बन जाएगा ये क्या मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ठीक है अगर दस लोग दूसरे होंगे तो दस डब्बे नजर आ जाएंगे फ्रंट एंड पे मुझे इस लाइन की वजह से और दस मेरे लिए कनेक्शन बन जाएंगे ठीक है एड न्यू यूजर में क्या हो रहा है जो मैंने पहले थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि वही जो मैंने अदर टम्पलेट अपना एक हिडन रखा हुआ है अपने लिए अपने काम के लिए यहाँ पे अदर टम्पलेट ये वाला डिस्प्ले नन वाला इसको मैं क्लोन करता हूँ क्लोन करने के बाद मुझे जो चीजें चेंज करनी है उसका आईडी चेंज करना है उसके जो वीडियो प्लेयर है उसका आईडी चेंज करना ताकि किसी से क्लैश ना और मैं सबके साथ कनेक्शन आईडी अटैच कर रहा हूँ ताकि यूनिकनेस रहे ठीक है यूनिकनेस रहे मेरे पास वीडियो प्लेयर की क्योंकि अब दो यूजर तो नहीं है पहले दो यूजर थे लोकल और रिमोट अब एक लोकल और बहुत सारे रिमोट हो सकते हैं तो मुझे डायनामिकली अपने ये कंट्रोल रखने हैं उसके बाद इसको डिस्प्ले कर देते हैं और अपेंड कर देते हैं तो मुझे ये एड न्यू यूजर का फंक्शन बेसिकली ये काम कर रहा है ठीक है एड न्यू यूजर का फंक्शन ओके okay. अब आते हैं कि जी जब भी मेरे पास एक यूजर आएगा मुझे इस तरह मिला है यूजर user, या यूजर्स मिले हैं लेकिन फंक्शन तो एक यूजर के लिए कॉल करो ना अभी मैं तो मैं क्या करूंगा मैं उसके लिए अपने पास एक वेब आरटीसी कनेक्शन बिल्ड कर लूंगा ठीक है इस फाइल में कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ सिंपल से मेथड्स हैं यू कैन सी तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ठीक है इस क्रिएट कनेक्शन में आते हैं जो मेरे पास इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है ये वही पुराना काम है अगर आपको याद हो कि हम एक आर्टिज के कनेक्शन बिल्ड करते हैं और इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये सारे मैंने वैसे ही लिखे हुए हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये डिस्प्ले किया हुआ है इनको कोई काम नहीं है इफॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट पहला क्या है मेरे पास वो है जी ऑन आई कैंडिडेट ये एक इवेंट होता है जिसके अंदर आपके पास जब भी आपको कोई आईसी कैंडिडेट मिलता है तो ये इवेंट फायर होता है ठीक है ये कनेक्शन की डिटेल में ये भी हमने देखा था पहले तो हम क्या करते हैं हम इसको सर्वर को भेज देते हैं सर्वर को भेजना मतलब है कि हम बकाया लोगों को अपने बकाया पेयर को शेयर करते हैं तो पहली वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने फंक्शन कॉल किया था और ये भेज दिया था और सर्वर सबको भेज रहा था लेकिन अब हमने सबको नहीं भेजना ठीक है तो ये किसको भेजना है हमने इस केस में चूंकि कनेक्शन एक बंदे के लिए क्रिएट कर रहे हैं ना ये वाला और जितने भी बंदे आते जाएंगे सबके लिए फंक्शन कॉल होगा तो हमें पता है बंदा कौन है वो कनेक्शन आईडी से पता चलेगा हमें तो हम ये कनेक्शन आईडी साथ भेज रहे हैं सर्वर का फंक्शन ये क्या चीज़ है ये वही वाला वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे एक डिक्लेर किया था सर्वर एफ जो यहाँ पे बनाया हुआ ये वाला बेसिकली तो हम इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास किया वो फंक्शन ये चला गया अंदर और अब हम कॉल कर रहे हैं तो मतलब ये वाला है जो मैंने ये लाइन लिखी है सर्वर एफ और ये चीज इसका मतलब मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ये वाला इसको डाटा जा रहा है डाटा में रात वे गेन आपके पास हुआ करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसका पहले भी था और साथ में कनेक्शन आई भेज रहा हूँ है किसको भेजना है टू कनेक्शन आई ठीक है वो भेज रहा हूँ तो सर्वर क्या करेगा इस केस में अगर आप दोबारा जाए इस कोड में जो आपने टू कनेक्शन आईडी भेजा है सिंपली उस वाले कनेक्शन उस वाले ब्राउजर को उस वाले कनेक्शन को ये वाली डिटेल पास कर देगा तो अगर आपके पास सर्वर के ऊपर 100 यूजर कनेक्टेड है तो 100 यूजर्स को मैसेज नहीं जाएगा बल्कि इस कनेक्शन वाले को स्पेसिफिक मैसेज जाएगा पहले वाली एग्जाम्पल पार्ट वन के अंदर सबको जा रहा था वो दो लोग जो थे उनको जा रहा था ठीक है हमने ये हैंडल नहीं किया था ऑल यूज किया था दिस इज अ डिफरेंस नाउ अगर आपने पहले वाली एग्जाम्पल इम्पलीमेंट की और अंडरस्टैंड है तो सो so, वापस आते हैं तो इसके अंदर अब वही पहले भी आप यही काम कर का रहे थे सिर्फ स्ट्रक्चर ये ये चेंज हुआ है कि अब हम ये एक साइंस बदली है हमने और सेकंड हम कनेक्शन भेजेंगे भेजना किसको है बकाया वही लॉजिक है कोई डिफरेंस नहीं है आप इसके अंदर आईसी कैंडिडेट सर्वर को भेजते हैं उसके बाद ये नीडेड का फंक्शन है जब भी आप अपनी स्ट्रीम को तब्दील करेंगे तो ये फंक्शन फायर होता है और हम खुद ऑफर क्रिएट करने के बजाय हम इसके अंदर ऑफर क्रिएट करते हैं क्योंकि जब भी आप कोई चीज चेंज करेंगे ट्रैक रिमूव करेंगे ऐड करेंगे वो तो दोबारा नगोशियेशन करता है नगोशिएन का मतलब वही है कि दोबारा ऑफर करेगा वहां से एक्सेप्ट आएगा दोबारा आईसी शेयर्स होंगे इस तरह की चीज़ दोबारा चलेगी तो इसलिए जो रिकमेंडेड वे अभी तक मैंने पढ़ा और समझा है वो यही है कि आप ओन निगोशियशन नीडेड के अंदर ये काम करें छह महीने बाद साल बाद कोई नया फंक्शन आ जाता है हो रहा है ऐसा आप पुरानी देखें डॉक्यूमेंटेशन तो चीजें डिफरेंट थी लेटेस्ट क्योंकि ये एपीआई पी कर रही हैं लेकिन अभी के लिए लेटेस्ट यही रिकमेंडेड है कि आप इस फंक्शन के अंदर ऑफर क्रिएट करें अपनी ठीक है ऑफर क्रिएट करना कोड बाद में दिखाता हूं सो so, सिंपल था कनेक्शन चेंज हमने कोई काम नहीं किया सिर्फ लॉगिंग की हुई है और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन पहले भी था अभी भी है वो ये है कि जी इस कनेक्शन के ऊपर अभी देखिए मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ कोई स्ट्रीमिंग पास नहीं कर रहा सिर्फ एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कर रहा हूँ कोई कनेक्शन नहीं बना कोई अभी हमारे पास रिमोट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुई कोई ऑफर नहीं हुई सिर्फ एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा है ठीक है ऑफर हमारी ये नीड कब होगा जब इस कनेक्शन के ऊपर आप स्ट्रीम ऐड करेंगे कोई ट्रैक ऐड करेंगे आडियो का वीडियो का तब ये फंक्शन फायर होगा तब वो जाएगा और वो सारा काम करेगा जो कि हमारा होता है तो जब भी आपके पास अब ये कनेक्शन है इस कनेक्शन आपने कनेक्शन जब ये दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा यूजर दूसरा यूजर आपके लिए कुछ स्ट्रीम ऐड करेगा ठीक है कनेक्शन में क्योंकि कनेक्शन कनेक्शन में एक उधर बना होगा ना उसके वेरिएबल उधर बना होगा ऑब्जेक्ट बना होगा दूसरे यूजर के पास भी जब वो ऐड करेगा तो आपका ये फंक्शन फायर होगा ऑन ट्रैक का जब भी आप कनेक्शन के अंदर उधर से दूसरे रिमोट यूजर से कोई स्ट्रीम ऐड होगी तो आपका ये फंक्शन फायर हो जाएगा ठीक है आपको बताया जा रहा है इस फंक्शन के जरिए कि किसी दूसरे यूजर ने ठीक है जिस तरह से कनेक्शन बिल्ड किया आपने उस यूजर ने आपके कनेक्शन के ऊपर एक स्ट्रीम ऐड की है तो हम कहते हैं अच्छा जी इवेंट मिल जाएगा इवेंट के अंदर ट्रैक होता है ट्रैक की काइंड होती है हमने अपने पास एक वीडियो स्ट्रीम्स के लिए एक रे बना ली बिकॉज अब हमारे पास मल्टीपल यूजर हमें वीडियो स्ट्रीम भेज सकते हैं तो हमने एक बना ली है हम कह रहे हैं कि अच्छा जी मेरे पास इस रे के अंदर क्या इस कनेक्शन आईडी के गेंस जो कनेक्शन आईडी डी के गेम सारा काम कर रहा हूँ क्या इस कनेक्शन आईडी डी के गेंस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ पहले नहीं पढ़ा हुआ एक नई वीडियो स्ट्रीम क्रिएट कर लो इसी तरह ऑडियो स्ट्रीम को भी हम करते हैं ऑडियो स्ट्रीम को भी कर लेते हैं क्योंकि हमें हर कनेक्शन से ऑडियो और वीडियो मिलनी है फिर हम चेक करते हैं कि मेरा जो अभी ये ट्रैक ऐड हुआ है मेरे कनेक्शन के ऊपर उस ट्रैक टाइप क्या है वीडियो है क्या है वीडियो ऑडियो अगर वीडियो है तो मैंने बेसिकली क्या किया है सिंपली होता मुझे पहले भी कोई इसी इसी कनेक्शन से पहले भी डिटेल आ रही हो पहले शायद वीडियो कैमरा आ रहा हो स्क्रीन शेयरिंग आना चाह रही है तो मैंने पहला काम ये किया कि इस वाली स्ट्रीम्स के अंदर से जिन मेरे पास जो ये स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से जितने भी ट्रैक्स हैं अगर हैं पहले तो उनको रिमूव कर दिया है पुराने ट्रैक खत्म कर दिए और नया ट्रैक मैंने ऐड कर दिया सो so, समझ लें कि अब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो ये ट्रैक ऐड हो जाएगा अब अगर दूसरा यूजर कैमरा स्टॉप करके स्क्रीन शेयरिंग करता है तो फिर दोबारा ये इवेंट दोबारा फायर होगा तो जो पुराने वाले मेरे पास डिटेल पड़ी होगी मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि अब वो ट्रैक मैटर नहीं करते और ये अच्छा इसको करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जब आप देख रहे हो ठीक है मुझे ये तरीका लगा और चलाए काम तो मैंने ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है जी उसके बाद सिंपली मुझे पता है मेरा जो वीडियो प्लेयर होता है वो कनेक्शन आईडी आडी रेफरेंस से बना हुआ है वी अंडरस्कोर करके उसको फाइंड किया है उसको ये स्ट्रीम साइन किया और लोड किया तो मुझे वीडियो नजर आना शुरू हो जाएगी दूसरे बंदे की तो जानी जब भी दूसरा यूजर अपने एंड पे अपने एंड पे जो कनेक्शन है इसके अंदर एक स्ट्रीम ऐड करेगा वो हम देखें कैसे ऐड करेगा तो मेरे पास ये फायर होगा लोकल यूजर के पास यानी जो दूसरे यूजर या यूजर्स जो हैं उनके पास गिवन फायर होगा और उनको उस यूजर की जो वीडियो स्ट्रीम है वो नजर आना शुरू हो जाएगी सेम काम ऑडियो क्लिक ही है आडियो की भी आपने कंट्रोल्ड ढूंढा है पहले कोई स्ट्रीम तो नहीं पड़ी हुई रिमूव किया है और जो नई स्ट्रीम आई है उसको एड किया है और ये मैंने यहाँ पे नल करके उसको लोड करवा दिया सेम चीज ठीक है तो ये हमने दिस दिस इज इज बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ट्रैक वाली कहानी समझ आनी चाहिए ये मैं कोड थोड़ा थे एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या कहानी है अच्छा जी अभी तो ये मैं सारा कनेक्शन बनाया मैंने ठीक है कनेक्शन बनाया ये कोड अभी चल नहीं रहा ये तो फ्यूचर में चलना है अभी तो मैं बता रहा हूँ की फंक्शन कॉल हुआ इसने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और ये सारी सेटिंग कर ली सेटिंग करने के बाद आपने कनेक्शन की एक रे बनाई हुई टॉप पे सिंपल रे है उसके अंदर ये कनेक्शन कनेक्शन स्टोर कर लिया और साथ कनेक्शन आईडी भी स्टोर कर लिए ताकि हमें पता हूँ हमारे पास कितने कनेक्शन आ चुके हैं आइट्रेशन में ये बड़ा हम इसको इस्तेमाल करेंगे ठीक है कनेक्शन आईडी की रे को तो हमने कनेक्शन आईडी भी कर लिया और साथ हमने एक एक्स्ट्रा काम किया कि जी जो मेरे इस टाइम ये अगेन केसेज हैं अगर आपकी पहले स्ट्रीम चल रही थी तो अगर आपके पास लोकल उस यूजर की स्ट्रीम कोई आ रही है कैमरा चल रहा है ठीक है और अगर स्क्रीन शेयरिंग में से कुछ है

अपने कने, इस कनेक्शन के ऊपर यूजर स्ट्री यूजर स्ट्रीम्स ऐड करेगा तो ये फंक्शन फायर होगा फिर निगोशियशन स्टार्ट होगी क्रिएट ऑफर वगैरह काम चलेगा ठीक है क्रिएट ऑफर समझ लेते हैं क्या ही है ये भी पुराना फंक्शन है क्रिएट ऑफर में हमने क्या कहा जी हमें कनेक्शन आईडी मिल रहा है ठीक है कनेक्शन आईडी हमने ये पास किया ये देखिए लीडर के अंदर जो भी उस वक्त कनेक्शन आईडी जिस वक्त ये बना होगा तो कनेक्शन आईडी अवेलेबल होगा हमने पास कर दिया इसको वो कनेक्शन आईडी इसके पास आएगा कनेक्शन आईडी से ये क्या करेगा एक ऑफर का ऑब्जेक्ट बनाएगा अपने पास स्टोर करेगा ये पूरी पुरानी कहानी है और सर्वर को ये ऑफर सेंड कर देगा ठीक है सर्वर का फंक्शन ऑफर का कॉल करेगा अब सर्वर जब हमें दूसरे पेयर से बात करना चाहेगा या मुझसे बात करना चाहेगा इसी यूजर से बात करना चाहेगा तो हमने उसके लिए एक्सचेंज का फंक्शन लिखा हुआ है ठीक है जो कॉल होता है यहाँ पे ये यह देखें क्लाइंट के अंदर एक्सचेंज का फंक्शन कॉल होता है ये वाला जो ही सर्वर बात करेगा ये फंक्शन कॉल होगा ये अंदर कॉल कर देता है और अगर आप इसको देखें ये क्या कर रहा है बेसिकली

जिस यूजर ने ये भेजी है यहां से मैसेज भेजा सर्वर को तो सर्वर क्या करता है ये देखें सर्वर उस यूजर का जिसने अभी ये फंक्शन कॉल किया उसका फ्रॉम में आईडी भेज देता है अगले बंदे को बताने के लिए कि तुम्हें कॉल कौन कर रहा है इस फंक्शन को कॉल किसने किया है बताने के लिए फॉर्म आईडी करंट यूजर का कनेक्शन आईडी भेज देता है तो आपको बेसिकली डिटेल मिल रही है इस फंक्शन के अंदर जब ये कॉल होगा तो आपको वो मैसेज मिलेगा जो भेजा था किसी ने आपके लिए और साथ किसने भेजा था उसका फ्रॉम कनेक्शन सर्वर से के आएगा। so, आपके पास तो है ना आप देखेंगे कनेक्शन बना, बना, तो बना, बना लिया अब क्या करना है वही काम है कि आपने इस कनेक्शन के साथ रिमोट डिस्क्रिप्शन सेट करनी है आंसर क्रिएट करना है और आंसर को पास कर देना है उसी बंदे को ठीक है जिसने मुझे बात की थी तो ये देखिए फ्रॉम कनेक्शन आ गया ठीक है ओके okay जी और साथ अपना कनेक्शन आईडी भेज दें जरूरत नहीं है ये रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी ठीक है ये कनेक्शन आईडी चला जाएगा कि जी किसकी बात हो रही है तो ये फिर अगेन ये वही कम्युनिकेशन है दोनों में दो बंदों में कम्युनिकेशन होती रहेगी जैसे पहले हो रही थी लेकिन अब जरा रे का सन्टेक्स आ गया और चीजें आ गई हैं आईसी कैंडिडेट भी वही हैं जैसे पहले काम चल रहा था और सिर्फ अरे का सन्टेक्स आ रहा है और साथ ही कनेक्शन आईडीज आ रहे हैं जिनकी बात है तो जब थोड़ा सा इसको चला के देखेंगे आप डिबिंग करेंगे तो ये बातें ज़्यादा समझ आ जाएंगी क्योंकि ये एक्सप्लेन करना इस तरह काफ़ी मुश्किल है ठीक है

तो नीचे हमने इस वाले वेरिएबल को इस्तेमाल किया है कि करंटली अगर कैमरा ऑन है तो फिर उसको ऑफ करवा दो नन ये फंक्शन जब नन जाएगा तो ये बेसिकली ऑफ करवा देगा स्टीम रिमूव कर देगा देखते हैं इसको अभी अगर कैमरा पहले ऑफ मेरे पास वीडियो स्टेट कैमरा नहीं है तो फिर मैंने कैमरा करनी है तो मैंने फंक्शन को कहा है कि जी कैमरा ऑन कर दो कैमरा कैसे ऑन होगा इसको देख लेते हैं मैनेज वीडियो में आते हैं तो पहले हम देख लेते हैं अच्छा जी नन की बात हो रही है नन का मतलब है कि आपने स्टेट क्लियर करनी है तो हमने कहा अच्छा जी बटन की स्टेट आप स्टार्ट कैमरा स्क्रीन शेयर वगैरह बटन के ऊपर टेक्स्ट चेंज कर दो और ये वाली जो स्टेट नन है ये अपने वेरिएबल में स्टोर कर दो और एक फंक्शन है जो कि स्ट्रीम्स वगैरह को क्लियर करता है ठीक है इसको बाद में देखते हैं ये फंक्शन हमारी क्योंकि आपने कैमरा स्टॉप करना है तो स्ट्रीम्स क्लियर करनी है ना और दूसरे यूजर को बताना है कि जी मैं स्ट्रीम रिमूव कर रहा हूँ अच्छा खैर ये अभी नन वाला केस है ये तो फौरन नहीं चलेगा आपका असल केस अभी हम बात कर रहे हैं कैमरे वाले की इधर आ जाते हैं जी क्या कैमरे की बात हो रही है बिल्कुल ठीक है कैमरे के लिए वी नो दैट फंक्शन होता है गेट यूजर मीडिया का ये आप कॉल करते हैं यहाँ पैरामीटर पास करते हैं तो आपको स्ट्रीम मिल जाती है हमने दो फंक्शन लिखने के बजाय एक ही फंक्शन में हैंडल कर लिया है कि मैं इधर से स्ट्रीम ले लू ठीक है मैं इधर से स्ट्रीम ले लूँ या मैं डिस्प्ले मीडिया स्क्रीन शेयरिंग वाली स्ट्रीम ले लूँ मुझे एवं स्ट्रीम मिल जाएगी और स्क्रीन शेयरिंग वाले केस के लिए स्पेसिफिकली जब आप स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करते हैं ना जो बटन आता है स्क्रीन शेयरिंग का स्टॉप करते हैं तो ये फट ये वाला इवेंट फायर होता है तो हमने कहा अच्छा जी जब मैं वहां पे स्टॉप करूं अपनी एप्लीकेशन में स्टॉप करूं तो मैं कर सकता हूं लेकिन अब मैं क्रोम के अंदर स्टॉप कर रहा हूं तो उसको हैंडल करने के लिए ये किया कि अगर वो स्टॉप हो जाए तो फिर भी क्लियर कर दो स्ट्रीम्स को और बटन का टेक्स चेंज कर दो ठीक है उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक डाल दिया कोड ये वाला ठीक है जी यहाँ तक स्ट्रीम मिल गई मुझे अब स्ट्रीम मिलने के बाद मैंने क्या कहा जी पहले देख लो कोई और तो नहीं चल रही कोई करंटली तो नहीं चल रही चल रही है तो उसको स्टॉप कर दो ठीक है ये मैं दिखाता हूँ इस फंक्शन का कोड स्टॉप का कोड क्या है उसके बाद मैंने कहा कर जी करंट स्टेट सेव कर लो जो भी मेरी वीडियो स्टेट है पता है मुझे कैमरा आया या स्क्रीन शेयर आई होगी वो सेव कर ली है अगर कैमरा आया तो मैंने लेबल वगैरह चेंज कर दिए कि इसका लेबल स्टॉप कैमरा होना चाहिए इसका लेबल स्क्रीन शेयर होना चाहिए क्योंकि अगर आप कैमरा स्टॉप स्टार्ट किया हुआ था और स्क्रीन शेयर पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं मुझे कैमरे को पहले स्टॉप करना है उसका यही टेक्स चेंज करना है वो काम किए यहाँ पे यहाँ पे देखा है कि क्या स्ट्रीम के अंदर वीडियो ट्रैक्स की लेंथ से जीरो बड़ी है अगर आपने अलाउ किया होगा तो वीडियो ट्रैक्स जरूर मिल जाएगा आपको ठीक है मिल गया जी वीडियो ट्रैक्स इसको हमने एक वेरिएबल में ऊपर ग्लोबल लिया उसमें सेव कर लिया जी चेक करने के लिए कि वाकई वीडियो ट्रैक वैलिड है नल तो नहीं है वो ले लिया और उसको पास करके मीडिया स्ट्रीम को हमने अपने लोकल वाले प्लेयर में शो कर दिया इससे आपको अपना अपना कैमरा नजर अपनी स्क्रीन शेर आपको नजर आना शुरू हो जाएगी लेकिन अभी यूजर को नहीं भेजी आपने अभी तक मैंने अपना काम किया मैंने यूजर को नहीं भेजी ठीक है यूजर को भेजने के लिए हमने एक फंक्शन लिखा है एड अपडेट ऑडियो वीडियो सेंडर्स का इसको समझ लेते हैं ठीक है इसके अंदर जो पैरामीटर जा रहे हैं इनको देख लेते हैं और फिर चीज समझ लेते हैं ये वीडियो वाला ट्रैक तो मेरा जो अभी स्ट्रीम का ट्रैक मैं भी देख रहा हूँ वीडियो का ट्रैक वही है ठीक है और साथ ही एक एक्स्ट्रा सेंडर्स होते हैं जो कि बनते हैं जब भी आप स्ट्रीम स्ट्रीम के अंदर ट्रैक एड करते हैं उसकी बनती है लेकिन देखते हैं अभी हम फर्स्ट टाइम चला रहे हैं हमने कैमरा ऑन किया है ये फंक्शन कॉल किया देखते हैं कि करता क्या है हम यहाँ आ जाते हैं अच्छा हमने यहाँ पे जो भी काम करना है क्योंकि हमने सारे अपने पेयर्स को बताना है पेयर्स की डिटेल कहाँ पड़ी हुई है इस आईडीज़ की आईडी के अंदर कि कौन कौन से पेयर्स आए हैं अगर कोई पेयर नहीं होगा मैं अकेला बैठा हुआ ये कोड चलेगा नहीं बात खत्म कोई टेंशन हानी नहीं है लेकिन अगर कोई पेयर होगा तो कनेक्शन आईडी है तो हमने वो कनेक्शन आई डी पकड़े हैं फिर देखा कि मेरे पास जो कनेक्शन की रहे है उसके अंदर इस कनेक्शन आई डी का ऑब्जेक्ट अभी एक्टिव स्टेट में है स्टेबल स्टेट में है कोई क्लोज तो नहीं हो गया हुआ ठीक है उसके बाद हमने क्या कहा है हमने कहा है जी कि मेरे पास एक रे है आर टी पी सेंटर की मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी बजाय बल्कि आप एल्स में आ जाए इस मैंने कहा है जी कि आप क्या करें इस कनेक्शन के अंदर ट्रैक ऐड कर दें ठीक है यही काम करना था ना हमें हमें एक ट्रैक आया है अभी स्ट्रीम से ट्रैक आया वो पास किया हमने ट्रैक इस फंक्शन को और हमने कहा है कि जी जो भी कनेक्शन आईडी मैं एक एक बंदे को पकड़ा मैंने पेयर को उस उस पेयर को ऐड ट्रैक कॉल कर दें जब आप ये लाइन कॉल करते हैं तो दो काम होते हैं

वो हमने आगे टाइप कंडीशन की हुई थी कि वीडियो टाइप हो तो उसको वीडियो प्लेयर में दिखा दो तो नजर आना शुरू हो जाएगी ठीक है इसको क्यों स्टोर किया मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन ये आई होप सो दिस इज क्लियर कि अब आपने किया क्या है? कि मैंने सिंपल सा काम किया इसको सारे को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए आपने अपने कनेक्शन के अंदर ट्रैक को ऐड किया है वो ट्रैक ऐड होगा दूसरी तरफ ऑन ट्रैक कॉल होगा काम चलना शुरू हो जाएगा आप ये ट्राई कीजिएगा काम चलेगा आपका ठीक है अच्छा मैंने इसको इसमें इसलिए स्टोर किया है अब आते हैं अगले केस के इस तरह ये काम चलता रहेगा सारे अगर तीन पेयर हैं मेरे पास रे में पड़े हुए तीनों को ये ट्रैक कॉल होगा उनके इसमें सेव हो जाएंगे उस कनेक्शन कनेक्शन अपने अपने के अगेंस्ट और वहां पे ऑन ट्रैक कॉल होगा ऑन ट्रैक के ऊपर आपने इसको डिस्प्ले करवाया हुआ है तो सबको वो वीडियो नजर आना शुरू हो जाएगी यूजर्स को अब आते हैं दूसरा केस आपने कैमरा ऑन किया था कैमरे वाला कोड चल गया अब आपने कहा जी मैंने स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो स्क्रीन शेयरिंग में जब आप आएंगे तो दोबारा ये सारा कोड चलेगा राइट सारा कोड चलेगा आपका और ये वाला कोड चलेगा डिस्प्ले मीडिया वाला और इसके बाद आपका ये फंक्शन वेंचरी चलेगा क्योंकि हम दोनों को एक ही वेरिएबल से होल्ड कर रहे हैं हम दोनों को कर रहे अगेन मुझे स्क्रीन शेट नजर आना शुरू हो जाएगी स्क्रीन शेट की जो भी ट्रैक की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अपने वीडियो प्लेयर को दे दी है और साथ ये फंक्शन कॉल कर दूंगा तो मैं फंक्शन कॉल करूंगा अब देखें क्या होगा कि कनेक्शन आई डी मुझे ठीक है अवेलेबल है क्या इस कनेक्शन आईडी अगेंस्ट आरटीपी सेंडर पड़ा हुआ है बिल्कुल पड़ा हुआ है बिकॉज पहले मैंने कोई स्ट्रीम कैमरे की ऑन की थी तो इसके अंदर आर टी पी सेंडर पड़ा होगा अच्छा आपने। आपने सिर्फ जो जो भी मेरा पहले आरटीपी था जो मेरे लिए मेंटेन कर रहा है सिर्फ मैंने रिप्लेस ट्रैक करना है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास उस उस तरफ ऑन ट्रैक का फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपके पास आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा कोई चीज ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी आपको और निगोशिएशन होकर दोबारा स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ इसी क्लाइंट से इसलिए हमने आरटीपी सेंडर्स को मेंटेन किया था मेरे पास अगर वहां पे एक, एक रास्ता खुल गया हुआ है ट्रैक का तो मैं इस आर टीपी सेंटर के जरिए उस रा उस कनेक्शन पे या उस पाथ के ऊपर अपना ट्रैक चेंज कर सकता हूँ। जो ही मैं यहाँ से ट्रैक चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली वहाँ ऑन ट्रैक कॉल होगा और यूजर को कैमरे की जगह पर स्क्रीन शेयर नजर आना शुरू हो जाएगी इस जगह पे ठीक है सो तो इसलिए हमने आर टीपी सेंटर मेंटेन किए हुए हैं और कंडीशन भी लगाई हुई है आर टीपी सेंटर हो उसके अंदर ट्रैक भी पड़ा हो तब ये काम करना है वरना नहीं करना ठीक है रिप्लेस ट्रैक तो पहली दफा तो लाजमी बात यह कोर्ट चलेगा इसे जब भी मैं क्लियरेंस की बात करूंगा की जी मैंने अब खत्म करना है पुराना तो पहले ये नोट कीजिए क्या कर रहा हूँ जब मैं मैं क्लियर की बात करता हूँ यहाँ भी मैंने फंक्शन कॉल किया था क्लियर करंट वीडियो स्ट्रीम यहाँ भी कॉल कर रहा हूँ तो क्या करते हैं क्लियर के अंदर आप नोट कीजिए कि हम सिंपली एक तो इसको करते हैं जो मेरा ट्रैक वाला वेरिएबल है उसको स्टॉप करके नल करते हैं लोकल वीडियो प्लेयर को नल कर देते हैं क्लियर का मतलब यहाँ पे यह है, और साथ ही हम जो अपने मेरे पास ऑडियो वीडियो के सेंडर्स मैंने बनाए हैं उनको आप रिमूव कर देते हैं उन उनमें से ट्रैक रिमूव कर देते हैं ठीक है जब ट्रैक रिमूव हो जाएगा फिर आप कर देंगे तो काम चल जाएगा तो आपको कनेक्शन से ट्रैक रिमूव नहीं करना पड़ता ठीक है सो ये हमारे पास इतना जो आर टीपी सेंटर है उनको हम रीसेट करते हैं अगेन इसका शॉर्ट वर्जन भी हो सकता है कि आप रिमूव ना करें सिर्फ रिप्लेस रहने दें बट अगेन काफी इसमें चीजें चल रही होती हैं तो हाँ वो देखना पड़ेगा आपको ठीक है देख, 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 देख। लेकिन आई होप सो कि ये कहानी समझ आई होगी बड़ी सिंपल सी कहानी है कोड पहले से बहुत शॉर्ट है आपने एक स्ट्रीम पकड़ी है उसको आपने डिस्प्ले करवा दिया है और क्लियर भी कर दिया उसके गेम्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दी है कि जो ही आप यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर प्ले करते हैं ट्रैक्स के साथ जैसे आपने यहाँ पे ये वाला काम किया है एड ट्रैक का तो आपके पास निगोशिएशन का फंक्शन कॉल होता है पे हमने करते हैं। फिर चलती है। तो आपको को यूज करें वरना ऐड ट्रैक तो कर देंगे या आप कुछ कर देंगे, ये कर देंगे अगले यूजर को पता नहीं चलेगा क्या हुआ है तो अगले को पता नहीं चलेगा क्या हुआ है उसके लिए निगोशियशन लीडर चाहिए होता है अगले को नोटिफाई करने के लिए कि कुछ हुआ है ठीक है वो सर आपने दोबारा शेयर करते हैं ऑडियो का सेम है ऑडियो में कोई ज्यादा कंप्लेक्सिटी नहीं मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता वो वही सेम है बल्कि आसान है उससे सो so, ओवरऑल यही कोड है बस दैट्स ऑल इसमें कोई चीज क्लोज कनेक्शन का फंक्शन जब भी आपको सर्वर बताएगा ना हमें कहा था ना कि सर्वर हमें इन्फॉर्म करेगा ये देखें सर्वर हमें इन्फॉर्म करेगा कि एक कनेक्शन एंड हो गया किस बेस पे इन्फॉर्म करेगा ब्राउजर को रिफ्रेश कर दिया अपने ब्राउजर बंद कर दिया तो ये फंक्शन फायर होगा ऑन डिस्कनेक्टेड का जो कि आगे तमाम यूजर को बताता है उस मीटिंग के यूजर को बताता है मीटिंग के यूजर्स को कि एक इस कनेक्शन आईडी का बंदा चला गया अपने आप को क्लियर कर लो तो क्लाइंट साहब ये फंक्शन कॉल होता है डब्बा रिमूव हो जाता है और फिर जो हमारे पास हमने अपनी रेस बनाई हुई इस कनेक्शन आई डी अगेंस्ट हम उनको साफ सुथरा कर लेते हैं साफ सुथरे हमारा क्या है हम अपनी कनेक्शन आई डी वाली जो रे है उसमें नल कर देते हैं कनेक्शन को क्लोज करके नल कर देते हैं स्ट्रीम्स को क्लियर कर देते हैं ठीक है इस तरह की चीजें हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ताकि हमारे रे के अंदर एक्स्ट्रा कनेक्शन आर टी पी आर टी सी पी कनेक्शन या स्ट्रीम्स की डिटेल ना पड़ी हो ठीक है ये इन्फॉर्मेशन हो गई और ओके okay, और इसके अलावा हमने ऊपर इवन बाइंडिंग की हुई है और कुछ नहीं किया हुआ ऑडियो वाला कोड वही है दैट्स ऑल और ये चीजें कोई इसमें और मुश्किल बात नहीं है एक पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं जो कि आपने नोट किया होगा लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं देखिए जब आप ये काम कर रहे होंगे ना तो और मैंने यहाँ पे कैमरा स्टार्ट किया है ना तो कैमरा स्टार्ट करने से क्या होगा मेरे पास बाकी लोगों को कैमरा नोटिफाई हो जाएगा अब जब मैं यहाँ से कैमरा स्टॉप करता हूँ तो यहाँ से कैमरा खत्म हो गया मैंने क्योंकि अपना वो खत्म कर दिया ट्रैक रिमूव कर दिया इधर से अब इसको स्ट्रीम नहीं मिल रही क्योंकि हमने हैंडल ऐसे किया स्ट्रीम नहीं मिल रही लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो वीडियो प्लेयर की स्टेट है वो खत्म नहीं हुई तो इसके लिए जब थोड़े से मैंने आर एन डी की और एक्सप्लोर किया तो मुझे ये एक फंक्शन मिला जो कि काफ़ी रिकमेंडेशन थी कि ऑन म्यूट का एक होता है इवेंट के ट्रैक के ऊपर ऑन म्यूट का होता है फंक्शन ये आप इस्तेमाल कर लें इस ऑन म्यूट का मतलब ये कि अब स्ट्रीम नहीं मिल रही लेकिन मसला ये कि ये स्ट्रीम जब आ रही है तो अभी यह फंक्शन फायर होता रहता है तो वो मैं अभी कंप्लीट नहीं देख सका ये कंफर्म है कि जब आप स्ट्रीम ऑफ करते हैं फंक्शन फायर होता है और आप इसके अंदर सिंपली अपने रिमोट मीडिया प्लेयर को नल कर देंगे ना तो ये यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा ये होगा लेकिन ये एक्स्ट्रा भी चलता रहता है यानी आपकी स्ट्रीम आ रही थी और ये फायर होता है अब वो क्यों हो रहा है उसको मुझे मजीद अपने कोड को देखना पड़ेगा कहीं मैं को गलती कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा फंक्शन फायर कर रहा हूँ जिसकी वजह से ऑन ऑनम्यूड बार बार कॉल हो रहा है तो ये एक चीज एक सोल्यूशन है इसका आप ट्राई कर सकते हैं मैं इसे नोटिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपको ये इशू आएगा कुछ और बातें मैं कर देता हूँ इसके साथ मैंने आपसे ये बताया जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बल्कि मैंने कर दिया हुआ आपको पहले भी कि जितने पेयर ज्यादा होंगे ना आपके पास ये कनेक्शन बढ़ते जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस के लिए काम ख़राब हो जाएगा तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि फिर आप ये ब्राउजर्स की इस तरह पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करवाने के बजाय आप क्या करते हैं आप सर्वर इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसके थ्रू हो आपकी ऑडियो और वीडियो जाती है यानी ये मेरा अगर पहला यूजर है पीयर है और दूसरा पेयर है मतलब अपनी डेवलपमेंट ही ऐसे करता हूँ कि अगर यूजर दो से या तीन से थोड़े हो तो ये जो काम चल रहा है ऐसे चलता रहे तो सकता हूँ कि ये जो मेरा ये वाला यूजर है ना ये बेसिकली क्या करेगा ये सर्वर से पेयर कनेक्शन बिल्ड करेगा यानी ब्राउजर टू तो ब्राउजर नहीं होगा बल्कि ब्राउजर का सर्वर के साथ पेयर कनेक्शन बिल्ड होगा और फिर जिन तमाम जो है वो इसके साथ कनेक्शन बनाएंगे इसके साथ ठीक है ये पेयर कनेक्शन बना लेंगे आपस में कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो अगर अब इसकी कोई वीडियो स्ट्रीम आती है तो वीडियो स्ट्रीम यहां जाएगी और इसको पता होगा कि कौन कौन से लोगों को मैंने आगे आगे ये ये वीडियो वीडियो स्ट्रीम भेजनी है तो फिर ये वीडियो स्ट्रीम इस तरह सेंड करेगा इस तरह करके ठीक है उनको तो आप नोट कर सकते हैं कि पहले केस में तीन यूजर के साथ छह कनेक्शन बन रहे थे चार के साथ नौ बन रहे थे पांच के साथ अज्यूम करें या के साथ कितने बनेंगे जो कैन अज्यूम इस केस में जितने यूजर उतने कनेक्शन बन रहे हैं राइट और ये हमारा मारा चुके पेयर बन गया तो ये बेसिकली वही वेब आरटीसी बेस्ड पेयर टू तो पेयर कम्युनिकेशन करेंगे ये इसको बताएगा अपनी स्ट्रीमिंग के बारे में और ये आगे बाकी सारे पेयर्स को रिले कर देगा इन्फॉर्मेशन ठीक है तो अभी ये भी खैर फ्यूचर में लेट्स सी ये वाला जो पार्ट है इसको देखेंगे आई विल ट्राई के कुछ इस पे इन्फॉर्मेशन मिले कोई सोल्यूशन आसान सा मिल जाए उसको ट्राई करके बना लिया जाए क्योंकि ये मेरे लिए भी एक ग्रे एरिया है आ, ये कैसे काम करेगा थोड़ा तो सा तो तो मैंने आरडी की है लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं है उस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आपके पास इसको भी इसकी जो लो लेवल प्रोटोकॉल वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी क्योंकि टू अंडरस्टैंड कर रहे हैं लेकिन इसको भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ठीक है लेकिन आ...

सर्वर है। बड़ा तू है। आ, कुछ आएंगे आपको जब आप जाएंगे कुछ चीजें इंटरनेट की एक्सेस मांगेगा आपसे वो कर सकता है ठीक है एक तो ये वाला पॉइंट है दूसरा पॉइंट ये है जो आप लोग फेस करेंगे अगर आप एक ही लैन पे नेटवर्क में बैठे हुए हैं लैन के ऊपर बैठे हुए हैं या एक ही नेटवर्क पे हैं तो ये जो मैंने आपको लिंक भेजा है वह बार टी सी वाला दिखाया है अभी ये वाला लिंक ये काम ठीक करेगा लेकिन अगर एक यूजर जो है वो आपका किसी और पे कनेक्टेड है वाई फाई से कनेक्टेड है और एक किसी और से कनेक्टेड है तो ये सोल्यूशन नहीं चलेगा उसकी रीजन ये है कि उस केस में यानी अगर आपके इस इस इसके दरम्यान पहुंचने में उसको डिफरेंट तरह की बीच में लीरिंग आ रही है कि ये राउटर आ रहा है फिर एक फायर आ रहा है और इधर भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो दोनों आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते देन यू नीड स्टन सर्वर्स ठीक है और टर्न सर्वर्स चाहिए होते हैं

आप करते क्या है कि एक वेरिएबल बनाए उसमें अपने टर्न सर्वर बता दें और टर्न सर्वर भी अवेलेबल बता दें और ये वाला जो वेरिएबल है कनेक्शन क्रिएट करते वक्त यहाँ पास कर दें ठीक है सो so ये मैं होपफुली इन फ्यूचर जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके ऊपर बनाऊंगा टाइम मिला काम करने का यहाँ पास कर दें ठीक है तो ये काम करना शुरू कर देगा बिकॉज आई एम ट्राइंग वाला भी हमें मिल जाए जिसमें आप डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर भी इस तरह का सोल्यून इस्तेमाल कर सकें तो ये दो सेटअप uh, भी कर सकते हैं और अगेन अगेन अगर आपने थोड़ा सा कॉमर्शली uh, और यूज करना प्रोफेशनली तो आपको अपना एक टर्न सर्वर सेटअप करना पड़ेगा इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर बात करूं ठीक है ओके जी लेट मी सी कोई चीज पेंडिंग तो नहीं रहेगी ठीक है जी थैंक यू अगर आपको ये वीडियो लगे कमेंट कीजिएगा अपने बताइएगा कि क्या चीज मजीद चाहते हैं स्टडीज बताइएगा कुछ स्टडीज मेरे जेहन में है जो लोगों ने पूछे हुए विल वर्क ऑन इट और अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ चीज डेवलप करते हैं वो भी बताइएगा और अगेन ये कोड आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें चेंजेस कीजिए अपनी ब्रांच क्रिएट कीजिए फॉर कीजिए जैसे करना चाहें करें और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं ताकि इस्तेमाल कर सकें मल्टी कनेक्शन के ऊपर और भी पुरानी ए अवेलेबल हैं पुरानी इस तरह की डिपॉजीज अवेलेबल हैं प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि अपडेटेड नहीं है राइट right? सो so, इसलिए थोड़ी सी दोबारा बनाई है मैंने और वीडियोज़ नहीं मिलेंगे आपको इसलिए वीडियो बना दी है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये कर लें uh, इस तरह का सोलूशन आप यूज़ करें और इस्तेमाल कर सकते हैं तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए कोई इशूज़ आ रहे हैं वो आप प्लीज़ इशूज़ में डालिएगा अगर आप कोई चीज़ इसमें फिक्स करते हैं ऐड करते हैं तो आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है और अपने मज़दीद इसकी ताकि बाकी लोगों को इसका बेनिफिट मिले थैंक यू कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा